कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी दो चार्ज Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब दे कैन बी सिमिलरली चार्ज, दे कैन बी ऑपोजिटली चार्ज, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोपोर्शनल होगी उनकी फोर्स, क्योंकि अगर सिमिलरली चार्ज है तो फिर रिपल्शन होगी, अगर ऑपोजिटली चार्ज है तो अट्रैक्शन होगी, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो फोर्स तो होगी। तो कूलम लॉ ये नहीं डिस्कस कर रहा अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, कूलम कहता है कि तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, वो बात नहीं कर रहा, वो कैलकुलेट कर रहा है वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव मॉड लगाना है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये कूलम लॉ, और एक कॉन्स्टेंट लगेगा यहां पर, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह कॉन्स्टेंट। ठीक, ये जो कॉन्स्टेंट है ये ना आपको ऐसा लगेगा जैसे ग्रेविटेशन चल रहा है, वो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर सेम ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड मिलते जुलते हैं। तो इसके अंदर ये जो कॉन्स्टेंट है ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की तरह नहीं है कैपिटल जी, कि कैपिटल जी जहां मर्जी लगा दो, चाहे जुपिटर हो चाहे मून चाहे अर्थ चाहे पानी चाहे जहां मर्जी लगा दो चेंज नहीं होता, यहां प्रॉब्लम है, यहां ये कॉन्स्टेंट चेंज होता है। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, कि आपने चार्जेस को रखा कहां हुआ है। अगर आपने Q1 Q2 R 1 कूलम 1 कूलम 1 मीटर पे आपने चार्जेस को लिया, लेकिन आपने उनको किस पे रखा, वाटर में रखा, तो फोर्स कुछ और आएगी। अगर आपने एयर में रखा फोर्स कुछ और आएगी, ऑयल में ग्लास में सब में अलग अलग आएगी। तो एक्चुअल में ना तो ये ना ये ना ये चेंज हो रहा है, तो फिर क्या चीज चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट यानी कि किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अब मीडियम कितने टाइप के हो सकते हैं, मीडियम तो दुनिया भर के हैं, जो मर्जी लेते जाओ मीडियम। जैसे अगर मीडियम वैक्यूम है तो कांस्टेंट की वैल्यू है, याद करनी है, 1/4πε0, इस सिंबल को एप्साइलन बोलते हैं। नॉट का मतलब होता है मीडियम वैक्यूम, याद रखना पूरी इसमें +2 में नॉट का मतलब वैक्यूम है, तो ये याद करना है। तो फोर्स की वैल्यू क्या बन गई, 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। ये epsilon है क्या चीज, जैसे अल्फा बीटा गामा म्यू epsilon सिंबल है। ठीक, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, epsilon नॉट की जो वैल्यू है 8.8 × 10^-12, ये याद रखनी है आपने। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में Q1 गिवन होगा, Q2 गिवन होगा, R गिवन होगा, ये वैल्यूज आपको पता है, सॉल्व करके फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर मान लो मीडियम वैक्यूम ना आया और क्या आया, वाटर, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा 1/4πε0, नहीं नॉट का मतलब तो वैक्यूम है, तो क्या हो जाएगा, वाटर। अब अगर ये ऑयल हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऑयल, और अगर ये कोई भी जनरल मीडियम हुआ तो एप्सिलॉन मीडियम। अब आप ये पूछेंगे तो फिर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, तो हर मीडियम में ये वैल्यूज मुझे गिवन होंगी, नहीं मेरे को तो याद नहीं है, मुझे सिर्फ वैक्यूम याद है, और आप भी वैक्यूम ही करेंगे, न्यूमेरिकल वैक्यूम पे आते हैं। पर हाँ पता होना चाहिए कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो कॉन्स्टेंट के अंदर एप्सिलॉन चेंज हो रहा है। अब एप्सिलॉन है क्या चीज, एप्सिलॉन सिंबल का नाम है, जैसे +1 में म्यू सिंबल का नाम था, लेकिन होता क्या था, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, और अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कम है फ्रिक्शन कम है, सिंपल। एप्सिलॉन नॉट तो सिंबल का नाम है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये क्या चीज है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये होती क्या है अभी बताता हूं, नाम याद करो इसका। एप्सिलॉन वाटर का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, एम का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो बस परमिटिविटी है। परमिटिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम है, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी है, तो अलग अलग मीडियम्स का अलग अलग परमिटिविटी है, तो अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स दोनों चार्जेस में क्या आएगी, कम आएगी, और परमिटिविटी मीडियम पर डिपेंड करती है, और मीडियम की परमिटिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें याद नहीं करनी, सिर्फ वैक्यूम की याद करनी है, मैंने बता दी। ठीक हो गया, अभी तक बात किस में हो रही है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, SI। अब अगर मान लो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सीजीएस,
सी जैसे पहले भी एक और चीज, वैक्यूम के लिए जब न्यूमेरिकल आएगा स्पेशली, आपको Q1 Q2 R गिवन होगा, आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1/4π 8.8 × 10⁻²⁻¹2 इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। आप बार बार इसे सॉल्व ना करें, अगर आप यहां पर 1/4π 8.8 × 10⁻²⁻¹2 पुट करते हैं तो पूरे का सॉल्व करके आंसर क्या आता है 9 × 10⁻¹9, राइट। ये याद रखना है आपने, ठीक, ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल आएगा, दो चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू 1 कूलम 1 कूलम है और डिस्टेंस उनके बीच में 1 मीटर है, मीडियम वैक्यूम है, फोर्स निकालो। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखो, 1/4π ε₀ Q1 Q2 R² लिख लिया। 1/4π ε₀ की वैल्यू क्या याद करवाई थी, 9 × 10⁻¹9, सीधा पुट कर देनी है, Q1 Q2 और R पुट कर देना है, सीधा आंसर आ जाएगा न्यूटन में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, सीधा पुट करेंगे 9 × 10⁻¹9, ठीक। अब क्योंकि ऊपर जितने भी मैंने ये चार्ट बनाया, ये क्योंकि हम वाटर ऑयल मीडियम में तो कुछ याद कर नहीं सकते, 3600 मीडियम में कौन याद करेगा, वैक्यूम की याद करेंगे। तो अगर वैक्यूम में SI सिस्टम है तो फोर्स का ये फॉर्मूला और कांस्टेंट की ये वैल्यू, अगर वैक्यूम, अगर मीडियम अभी भी वैक्यूम है लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट CGS है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू 1/4π ε₀ नहीं होती, इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल CGS में आ गया तो 1, और अगर नहीं आया तो 9 × 10⁻¹9, तो ये याद रखनी है यहाँ पर। तो लेकिन जब CGS में आएगा तो चार्ज कूलम में नहीं गिवन होगा, चार्ज किस में गिवन होगा, स्टैट कूलम, और R किस में गिवन होगा, सेंटीमीटर्स। तो ऐसे केस में 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻¹9 स्टैट कूलम होता है, तो कन्वर्जन आ सकती है। तो ये कन्वर्जन है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, पहली चीज हमने ये की कि SI सिस्टम के अंदर हमें पता लग गया फॉर्मूला क्या है वैक्यूम में फोर्स का, CGS में हमें वैल्यू पता लग गई फोर्स की, ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है इसमें, सपोज अगर मैं वैक्यूम लेता हूँ, वैक्यूम के अंदर दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ R, तो ये फोर्स का फॉर्मूला 1/4π ε₀ Q1 Q2 R² डन, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं वैक्यूम की जगह मीडियम लेता हूँ, फोर्स इन मीडियम, तो ये चीजें तो चेंज होंगी नहीं, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो फॉर्मूले में परमिटिविटी क्या हो गई, चेंज हो गई। आप एक काम करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। क्यों कर दें मैं बताता हूं, तो आप इन्हें डिवाइड करें, डिवाइड करने से ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4π 4π कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट, बस, ठीक। इनकी रेशियो को, इसकी रेशियो को एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये पहले क्या नाम था इनका, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। यहां पर दो एप्सिलॉन क्या हो रहे हैं, कंपेयर, परमिटिविटी क्या हो रही है, कंपेयर, इसलिए यहां पर क्या टर्म आएगी, रिलेटिव। ये फॉर्मूला, ये नाम बड़ा लंबा है कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, कभी कभी इस नाम की जगह एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और ये सिंबल अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, यहां पर क्या सिंबल यूज करते हैं, के। तो एप्सिलॉन आर की जगह कई बुक्स के भी यूज कर लेती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक लंबी कहानी है, टाइम के साथ आपको डाई इलेक्ट्रिक जब समझाएंगे तो समझ में आएगा एक्चुअल में इसका क्या रोल है, अभी आपको याद करना पड़ेगा। तो आपने क्या याद करना है कि फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, फॉर्मूला याद कर लिया। क्यों किया बताता हूं, नाम देख लो पहले, एप्सिलॉन नॉट का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन एम का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, नाम याद हो गए। अब एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इनको रिप्लेसेबल आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ कंडक्टर या मेटल इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ऐसा क्यों हुआ, इसका प्रूफ मैं आज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके प्रूफ के अंदर मेरे को
डायलेक्ट्रिक समझाना पड़ेगा जो थोड़ा लेटर स्टेज में आता है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। अभी याद करेंगे कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मेटल या कंडक्टर का इन्फिनिटी होता है। तो फिर बाकी मीडियम का क्या होता है, ग्लास का, ऑयल का, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें याद नहीं करना होता, हमें गिवन होता है। अब हमने क्यों किया ये सारा, हमने एक चीज़ की कि अगर फोर्स वैक्यूम में हो, फोर्स मीडियम में हो, इसकी रेशियो को हमने ये डराइव किया था अभी, और इसको मैंने क्या लिखा था, एप्सिलॉन आर या के, एक ही बात है। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, वैक्यूम और मीडियम की रेशियो को के बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या आएगा या डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का रूल क्या है, सपोज एक न्यूमेरिकल आया जिसमें दो चार्जेस आपको गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, जब चार्जेस किस में पड़े हुए हैं, इन वैक्यूम। तो आपने वैक्यूम का फॉर्मूला लिखा, इसकी जगह 9 × 10⁻⁹ लिखा, Q1 Q2 R की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, डन, क्लोज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वैक्यूम में तो वैल्यू ही पुट करनी है, 9 × 10⁹ आंसर। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में ये आया सेम चार्जेस, वैल्यू चेंज नहीं करनी, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, सेम चार्जेस किस में पड़े हुए हैं, इन वाटर। अब मैंने मीडियम को क्या कर दिया, चेंज। तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 10 गिवन है। अब कह रहे हैं कि वही चार्जेस आपस में फोर्स क्या लगाएंगे ये बताओ। तो एक स्टूडेंट बोला फिर ऐसा करते हैं, फोर्स इन वाटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/4πε वाटर Q1 Q2 r2। लेकिन जब वो ये फॉर्मूला लगाएगा मुझसे इसकी वैल्यू पूछेगा, और मैंने ये वैल्यू तो दी नहीं आपको, तो आप फंस गए, नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, आप ये डेफिनेशन यूज करोगे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर। तो आपको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10 गिवन है, वैक्यूम की फोर्स तो आप इजीली निकाल ही लेते हो, आपने ये पार्ट में वैक्यूम की फोर्स को निकाला, जो वैक्यूम की फोर्स है वो आपने यहाँ पुट कर दी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाटर की फोर्स आ गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि आपको जब एक मीडियम गिवन होगा, वो मीडियम जैसे मान लो वाटर गिवन है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10 गिवन है, तो वैक्यूम की फोर्स तो आप निकाल ही लोगे, आप यहाँ पे पुट कर दोगे कि आपको गिवन होगा, वाटर की फोर्स निकल आएगी, ठीक। तो सिग्निफिकेंस समझ में आया कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स और ये रेशियोज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि वैक्यूम में पहले न्यूमेरिकल हो, फिर किसी भी मीडियम में न्यूमेरिकल को शिफ्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिवन हो। F0 ऊपर वाले पार्ट से मैंने निकाल लिया ना, वैक्यूम के अंदर तो निकाल ही लिया, उस वैल्यू को यूज कर लिया नीचे, ठीक। तो इस तरीके से करेंगे, ये आ जाता है, कंपटीशन में भी आता है और सीबीएस में भी आता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप ये फॉर्मूला लिखे फोर्स का, एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, चार्ज क्या होता है, एम्पियर टाइम, एटी, फोर्स क्या होता है, MLT-2, डिस्टेंस क्या होता है, L2, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो कुछ नहीं है, बट डायमेंशन फॉर्मूला अगर पूछ ले एप्सिलॉन नॉट का, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला।